नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और फिर से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से एक बड़ी खबर आपके लिए, जान लेते हैं क्या है और डिटेल उस खबर की आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। ई सिटीजन में जाएंगे दोस्तों तो आपको दो नोटिफिकेशन मिलेंगे यहाँ पर। नोटिस टू एब्सेंटी कैंडिडेट्स फॉर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कैंडिडेट, यानी कि जो स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट में मेल कैंडिडेट मेल कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी में जो एबसेंट रहे थे उन कैंडिडेट्स के लिए, और जो पीएमटी में एबसेंट रहे थे उन कैंडिडेट के लिए एक नोटिफिकेशन है। अलग अलग नोटिफिकेशन है, दोनों ही आपको पढ़कर सुना देता हूँ। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर आज नोटिफिकेशन की भरमार है। दो रिजल्ट आए थे जो मैंने आपको पहले बता दिए, और दो ये नोटिफिकेशन आए हैं, तो चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए, ये नोटिफिकेशन हो रहा है, नोटिफिकेशन डाउनलोड हुआ। इसमें लिखा है नोटिस टू एब्सेंटी कैंडिडेट, यानी अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कॉन्स्टेबल अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2018 कैटेगरी नंबर 1 इन कंटिन्यूस, यानी सही चलता आ रहा है उस प्रोसेस में ऑफ अर्लियर नोटिस डेटेड 2/2/2019, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कॉल द एब्सेंटी कैंडिडेट्स हु वर एब्सेंट फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट फ्रॉम डेट 11 फरवरी 2019 टू 17 फरवरी 2019, यानी 11 से 17 तक जो कैंडिडेट मेल कॉन्स्टेबल की जो कैटेगरी थी उसमें जो फिजिकल मेजरमेंट के लिए अनुपस्थित रहे हैं वो 18 फरवरी को दोबारा से उपस्थित हो सकते हैं पीएमटी के लिए। ओनली दोज कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई द पीएमटी टेस्ट विल बी पार्टिसिपेटेड इन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट, जो पीएमटी पास करेंगे वो स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे। दे आर एडवाइज टू ब्रिंग ओरिजिनल डाउनलोडेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड फॉर पीएमटी, और स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए ओरिजिनल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लाएं, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आएं, वन सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म। इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट अपीयर फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन देयर आफ्टर। अगर अब आप पीएमटी में उपस्थित नहीं होंगे तो आगे आपको दोबारा से कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। 16 तारीख नीचे लिखा है और सिग्नेचर डिजिटली सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी फिर नेक्स्ट जो है वो आपको बता देता हूँ, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसको भी पढ़कर आपके लिए एक छोटी सी छोटी डिटेल। तो स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए जो कैंडिडेट एबसेंट रहे थे जो कि 11 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगा, जो कल तक चलेगा, उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट में जो एबसेंट रहे थे इस दौरान वो 18 फरवरी को प्रेजेंट रह सकते हैं, उस दिन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। दे आर एडवाइज टू ब्रिंग ओरिजिनल डाउनलोडेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड फॉर पीएमटी, एडमिट कार्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट, और सभी ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स और जो पहले मैंने आपको मेंशन किया था वही सारे आपने डॉक्यूमेंट्स उसी कड़ी में लेके जाने हैं। तो अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एबसेंट थे इन दिनांक के दौरान 11 से 17 के दौरान, कल 17 है, कल भी अगर नहीं पहुंच सकते तो 18 फरवरी को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। और अगर इसके बाद में आप नहीं हाजिर होते हैं 18 को तो आगे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। तो ये दो बड़ी खबर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से आपको बताना जरूरी था। आपकी शुभकामनाओं सहित आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए लेते हैं विदा। धन्यवाद।